नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। सर्दियों में बादाम से ज़्यादा असरदार है चना। रोज खाएंगे तो होंगे ढेर सारे फायदे। सर्दियों में रोज़ाना 50 ग्राम चना खाना शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। आयुर्वेद में माना गया है कि चना और चने की दाल दोनों के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। चना खाने से अनेक रोगों की चिकित्सा हो जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नमी, चिकनाई, रेशे, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स पाए जाते हैं। चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है, लेकिन इसी सस्ती चीज़ में बड़ी से बड़ी बीमारियों की लड़ने की क्षमता है। चने के सेवन से सुंदरता बढ़ती है, साथ ही दिमाग भी तेज हो जाता है। मोटापा घटाने के लिए रोजाना नाश्ते में चना लें। अंकुरित चना 3 साल तक खाते रहने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। गर्भवती को उल्टी हो तो भुने हुए चने का सत्तू पिलाएं। चना पाचन शक्ति को संतुलित और दिमागी शक्ति बढ़ाता है। चने से खून साफ होता है जिससे त्वचा निखरती है। सर्दियों में चने के आटे का हलवा कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। यह हलवा वात से होने वाले रोगों में अस्थमा में फायदेमंद होता है। रात को चने की दाल भिंगो दें, सुबह पीसकर चीनी एवं पानी मिलाकर पिएं। इससे मानसिक तनाव एवं उन्माद की स्थिति में राहत मिलती है। 50 ग्राम चने उबालकर मसल लें। यह जल गर्म गर्म लगभग 1 महीने तक सेवन करने से जलोदर रोग दूर हो जाता है। चने के आटे की नमक रहित रोटी 40 से 60 दिनों तक खाने से त्वचा संबंधी बीमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली इत्यादि नहीं होती हैं। भुने हुए चने रात में सोते समय चबा चबा कर गर्म दूध के साथ पीना चाहिए। इसको पीने से सांस नली के अनेक रोग एवं कफ दूर हो जाता है। 25 ग्राम काले चने रात में भिंगोकर सुबह खाली पेट सेवन करने से डायबिटीज दूर हो जाती है। यदि समान मात्रा में जौ, चने की रोटी दोनों समय खाई जाए तो जल्दी फायदा होगा। चने को पानी में भिंगो दें, उसके बाद चना निकालकर पानी को पी जाएं। शहद मिलाकर पीने से किन्हीं भी कारणों से उत्पन्न हुई नपुंसकता समाप्त हो जाती है। हिचकी की समस्या ज़्यादा परेशान कर रही है तो चने के पौधे के सूखे पत्तों का धूम्रपान करने से शीत के कारण आने वाली हिचकी तथा आमाशय की बीमारियों में लाभ होता है। पीलिया में चने की दाल लगभग 100 ग्राम 2 गिलास जल में भिंगोकर उसके बाद दाल पानी में से निकालकर 100 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 से 5 दिन तक खाएं, राहत मिलेगी। देसी काले चने 25 से 30 ग्राम लेकर उनमें 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण मिला लें। चने को कुछ घंटों के लिए भिंगो दें, उसके बाद चने को किसी कपड़े में बांधकर अंकुरित कर लें। सुबह नाश्ते के रूप में इन्हें खूब चबा चबा कर खाएं। बुखार में ज़्यादा पसीना आए तो भुने हुए चने को पीसकर अजवाइन और वच का चूर्ण मिलाकर मालिश करनी चाहिए। चीनी के बर्तन में रात को चने भिगो कर रख दें, सुबह उठकर खूब चबा चबा कर खाएं। इसके लगातार सेवन करने से वीर्य में बढ़ोतरी होती है एवं पुरुषों की कमजोरी से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भींगे हुए चने खाकर दूध पीते रहने से वीर्य का पतलापन दूर हो जाता है। 10 ग्राम चने की भींगी हुई दाल और 10 ग्राम शक्कर दोनों को मिलाकर 40 दिनों तक खाने से धातु पुष्ट हो जाती है। गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े में बांधकर सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। बार बार पेशाब जाने की बीमारी में भुने हुए चनों का सेवन करना चाहिए। गुड़ एवं चना खाने से भी मूत्र से संबंधित समस्या में राहत मिलती है। रोजाना भुने हुए चनों के सेवन से बवासीर ठीक हो जाता है। यानी कि भुने हुए चने बहुत लाभकारी होते हैं हमारे लिए दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए भुने हुए चनों से रिलेटेड और भी चने के प्रयोगों से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।